नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। समाज सेवा में अग्रसर सामाजिक संस्था नियामतपुर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शनिवार को नूरनगर स्थित संस्था के मुख्यालय में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां आसपास के सैकड़ों मरीजों ने इस निशुल्क नेत्र जांच शिविर का लाभ उठाया। नियामतपुर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने बताया कि संस्था द्वारा वर्षों से लगातार समाज के निम्न वर्ग और जरूरतमंदों लोगों के लिए अपनी सेवाएं देता रहा है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, वैसे लोगों के लिए नेत्र जांच शिविर की व्यवस्था की गई जिसके लिए अपने नेत्र जांच करवाना मुमकिन ना हो, यानी आर्थिक तंगी से जो लोग गुजर रहे हैं उनको आज के शिविर में काफ़ी लाभ पहुँचा है। उनके जांच के बाद जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत मिली है उनका ऑपरेशन भी हम लोग निःशुल्क कराएंगे। चेकअप कायम किया गया था, क्या गया है, ऑलरेडी चल रहा है अभी। और ये संस्था तो हम लोग हाल फिलहाल बना है, लेकिन संस्था बनने से कबल से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 350 से ज़्यादा हम लोगों ने आई चेकअप किया है, चेकअप करवाया है। आज के दिन हुआ है 350? ना, आज के दिन 100 से ज़्यादा है, अभी चल रहा है, हम लोग आ रहे हैं। और जो ऑपरेशन वाले पेशेंट रहेंगे उसके लिए क्या? इसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर साहब से ताल्लुक रखा। ये जो आसनसोल में हम लोगों का तो बहुत बड़ा डॉक्टर साहब का आई का ये है, हॉस्पिटल है। क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम यहाँ से जिनका आई का एप, जिनका मोतियाबिंद वगैरह है, उनका 23 तारीख को ऑपरेशन किया जाएगा, बोल दिया गया है। और भी मुख्तलिफ किस्म का मेडिसिन जिसका मोतियाबिंद नहीं है, कोई और भी प्रॉब्लम है का, उसके लिए फ्री मेडिसिन वगैरह का इंतजाम है। किसी आदमी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। और डॉक्टर लोग या वहाँ की टीम बहुत कोऑपरेट कर रही है। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ये इदारा है, सोशल वेलफेयर एजुकेशनल जो है नियामतपुर वाला, ये अपने बलबूते पर सब काम कर रहा है। किसी से चंदा भी नहीं लिया गया है, ना किसी से डोनेशन लिया जा रहा है, ना फीस लिया जा रहा है, एकदम बिल्कुल फुल्ली फ्री। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम MM अंसारी, हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट के चेयरमैन जाकिर हुसैन साहब हैं। और हमारी एक बॉडी है जो बाजाबता वो रजिस्टर्ड सोसाइटीज के अंदर हम लोग बाजाबता तौर पर काम कर रहे हैं। पहले बहुत खबर हम लोग इसी तरह का, ऐसे भी सोशल वर्क में बहुत से ज़्यादा यहाँ, जैसे हम लोगों ने गाड़ी लिया है, क्या नाम है, एम्बुलेंस भी लिया है, ये भी चलवाते हैं। उसके अलावा मोहल्ला इलाका पाड़ा में जो सरकार की तरफ से काम नहीं हो सका, ये जहाँ लैकिंग रह गया है, उसको भी हम लोग ने इस इंस्टीट्यूशन ने, इस इदारे ने अपने तौर पर पाइप वगैरह लाखों रुपया का पाइप लगा कर ने पानी पीने का इंतजाम कराया। लाइब्रेरी यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें लाइब्रेरी है, बाजाबता लाइब्रेरी है, उसके अलावा कंपटीशन का एग्जामिनेशन का तैयारी होता है। और यहाँ डॉक्टर बैठाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट लोग, फ्री उन लोगों का सब काम किया जाता है। जो पेशेंट आते हैं उनका फ्री इलाज के लिए डॉक्टर यहाँ रहते हैं, जो देखते हैं। उसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए सिलाई सेंटर का भी काम किया गया सेंटर, जिसमें काफ़ी लड़कियों ने एडमिशन ले लिया और बहुत सा अभी बेचारी जगह नहीं होने की वजह से नहीं आ सक रही हैं, तो हम लोग फेज वाइज करके सबको लेंगे। उसके अलावा यहाँ ब्यूटिशन का कोर्स भी चल रहा है। इन सभी कोर्स का फी फी वगैरह लगता है या फिर किसी का पैसा नहीं लगता है? और हम लोग, हमारा इंस्टीट्यूशन या हमारा फाउंडेशन फुल्ली तौर पर इसको बेयर कर रहा है। यहाँ जो सोसाइटी की तरफ से समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, इसी अंतर्गत आज एक आई डोनेशन कैंप या आई चेकअप कैंप चल रहा है। और जिन लोगों को मोतियाबिंदों का उनका ऑपरेशन तुरंत दिखती आई हॉस्पिटल कैंप में करवाया जाएगा, तो ये बहुत हर्षोल्लास खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं
कि संसार में हम लोगों का जन्म हुआ है और मृत्यु भी होगी, लेकिन जो अच्छे कार्य कर जाते हैं उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षर में लिखा जाता है। और इसी कड़ी की तहत हम लोग देख रहे हैं कि जाकिर भाई अपनी पूरी टीम के साथ नियामतपुर अंचल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस इलाके में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ देखा जाए। हम लोग देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि पंचर लगाने वाली जो कौम है वो पढ़ती नहीं है, पर पढ़ाई की तरफ ये लोग आगे आ रहे हैं। मुझे पहले भी आने का यहाँ पर मौका मिला था, मैंने देखा था कि डिप्टी मजिस्ट्रेट या इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान आकर लोगों को बता रहे थे कि कैसे पढ़ाई पे अव्वल रहना है और तालीम हासिल करनी है। और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी खुली हुई है और बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं जाकिर भाई को बधाई देना चाहता हूँ और तमाम लोगों से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़े और जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके में अपना हाथ बटाए और कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया मरने के बाद भी आपको याद रखे। अपना परिचय। गुरविंदर सिंह, सचिव नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट आइए जी एम हॉस्पिटल से आए थे। हम लोग यहाँ पर इन्होंने जी सोशल नियामतपुर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर इन्होंने फाउंडेशन साथे कोलाबोरेशन करे हमारे फ्री आज चेकअप कैम्प करछे। ये कैम्पे जिसब पेशेंट उनके कैंसर ऑपरेशन सेटा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हॉस्पिटल ठीक कर देवे। ट्रांसपोर्टा हमें ही देव, हमारे मेडिसिनटा दिए এইভাবে আমরা প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় ক্যাম্প করছি। আমাদের অলরেডি ফ্রি আছে ক্যাম্পে 700 মতো পেশেন্ট অলরেডি আমরা অপারেশন করেছি এই মানে নভেম্বর মাস থেকে। কোভিডের জন্য আমাদের যেরকম পেশেন্ট আমরা ক্যাম্প করতে পারিনি সেই জন্য আমরা খুব কম অপারেশন করেছিলাম। নভেম্বর মাস থেকে আমরা অনেক বেশি মানুষের কাছে গেছি এবং অনেক বেশি কাজটা করছি, এবং আমাদের যে হসপিটাল আছে সেখানে আমাদের খুব কম খরচে নানা প্রকার ডিপার্টমেন্ট চালু হয়েছে। আইসিইউ থেকে শুরু করে আইসিইউ নাম দিয়ে এখন আমরা এসডিইউ নাম আছে, মেইন ডিভিশন থেকে শুরু করে সব কিছু আছে, সিএমপিএম সব এভরিথিং। আসানসোলে একটা মোটামুটি লো কস্ট বাজেটে একটা হসপিটাল তৈরি হয়েছে, আপনারা পরিষেবা নিতে পারবেন। প্লাস আমাদের একটা ব্লাইন্ড স্কুল আছে, যদি এখানে বাচ্চারা যদি যাদের 5 থেকে 7 বছরের যেসব বাচ্চা আছে যারা দেখতে পায় না সেসব বাচ্চাদের ফ্রি অফ কস্টে আমাদের আসানসোল ডিএল একাডেমির নামে আমরা ওখানে একটা স্কুল করেছি, যার পুরো প্যারেন্ট বডি হচ্ছে আসানসোল প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস সোসাইটি।